27 अगस्त को हरियाणा के रोहतक जिले से एक दर्दनाक, शर्मनाक और दिल को दहला देने वाली घटना हम सब के बीच आती है, जिसमें एक बेटे ने अपनी माता पिता बहन समेत अपनी नानी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। बीते सोमवार को आरोपी अभिषेक को अपने माता पिता बहन और नानी के हत्याकांड के चलते 5 दिन के रिमांड के बाद पुलिस द्वारा अदालत में पेश किया गया है। वहां से आरोपी अभिषेक को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत के चलते सोनारिया जेल भेजा गया है। मैं आपको बता दूं, इस सनसनी केस हत्याकांड में अभी तक अन्य किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हुई है, ना ही कोई और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे घटना में इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि एक बेटे का इन सारी हत्याओं के पीछे कारण सिर्फ एक संबंध था, एक पुरुष मित्र के साथ बना हुआ विगत वर्षों से कुछ पहले का संबंध, जिसके चलते बेटे ने इन सारी हत्याओं को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि अभिषेक के घर में कुछ दिन पहले ही पता चला कि वो अपने किसी पुरुष दोस्त के साथ संबंध में है, जिसके चलते लिंग बदलाव की बात अभिषेक ने अपने घर में की। परिवार वालों ने इससे साफ नाराजगी जताई। अभिषेक के पिता ने भी अभिषेक को डांट लगाई, लेकिन अभिषेक नहीं माना। संगी, मैं आपको बता दूं कि लिंग बदलाव के मसले को लेकर परिवार में खटपट और अनबन विगत कुछ महीनों से चल भी रही थी। रोहतक के विजयनगर के इस चौहरे हत्याकांड में पुलिस की जांच अब पूरे तरीके से पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसे में एक अजीबोगरीब सवाल अब लोगों के सामने उठ के आ रहा है, क्योंकि जिस दोस्त के लिए अभिषेक ने अपनी परिवार की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी, उस दोस्त को पूरे कांड की भनक तक नहीं है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या अभिषेक अपने पुरुष दोस्त का बचाव कर रहा है? मीडिया से पूछे गए एक सवाल पर डीएसपी मुख्यालय गोरखपाल राणा ने कहा कि अभी तक हत्या के आरोपी के दोस्त कार्तिक के खिलाफ अभी तक हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन अब तक हमने कार्तिक को क्लीन चिट नहीं दिया है। जैसे ही किसी भी आरोप की पुष्टि कार्तिक के द्वारा होती है, हम उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लेंगे। डीएसपी ने इस बात की पुष्टि की कि पूछताछ में पता चला है कि अभिषेक और उसके दोस्त के बीच में समलैंगिक संबंध है। संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी अपना लिंग परिवर्तन कराना चाहता था। इसके लिए उसने पिता से पैसे मांगे थे। इस पर पिता ने अभिषेक को जमकर डांटा था, साथ ही उसे रुपए देने से भी इनकार कर दिया था। पैसे न मिलने के कारण अभिषेक 20 दिनों से परेशान चल रहा था। उसने दिल्ली से अपने दोस्त को रोहतक बुलाया और 2 दिन तक ही वो दोनों साथ में ही एक होटल में ठहरे। पैसे न मिलने के कारण नाराज होकर अभिषेक ने इन हत्याओं को अंजाम दिया। हत्या को अंजाम देने के लिए अभिषेक ने अपने घर में रखे पिता के 32 बोर वाले अवैध रिवॉल्वर का उपयोग किया। तो ऐसे में आप सबको क्या लगता है कि क्या एक नाराजगी और एक अनबन की वजह से अपने परिवार वालों को मौत के घाट उतार देना अपने बेटे के द्वारा कहां तक सही है? इस घटना में अभी तक सिर्फ आरोपी अभिषेक की पुष्टि हुई है। अन्य किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।